सीधी में पूर्व मंत्री और विधायक कमलेश्वर पटेल और कांग्रेसी नेताओं पर एफआईआर दर्ज की गई है। इसके खिलाफ कमलेश्वर पटेल ने भी भाजपा नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए जाने के लिए पुलिस को आवेदन दिया है। सीधी कलेक्ट्रेट के सामने कुछ दिनों पहले पूर्व मंत्री व वर्तमान विधायक कमलेश्वर पटेल ने जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं के साथ बिजली, स्वास्थ्य एवं कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा छुपाने का आरोप लगाते हुए सरकार के खिलाफ धरना दिया था। उसी दिन सीधी कोतवाली प्रभारी हितेंद्र शर्मा की शिकायत पर पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल सहित अन्य कांग्रेस नेताओं आपदा प्रबंधन की धारा 188 एवं अन्य धाराओं एफआईआर दर्ज कर दी गई थी। इस एफआईआर के विरोध में विधायक कमलेश्वर पटेल ने कांग्रेस जिलाध्यक्ष के साथ थाना कोतवाली में सत्ता पक्ष के लोगों के विरुद्ध मामला दर्ज करने का आवेदन दिया और कहा कि सत्ता पक्ष के लोगों ने भी लॉकडाउन के दौरान सभा व भीड़ एकत्र कर कार्यक्रम किए हैं, ऐसे में उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जाए। सामने अम्बेडकर चौराहे पे धरना रखा था, खुली धूप में, तपती धूप में 5 घंटा हमने वहाँ पे व्यतीत किया और सरकार में बैठे हुए मुखिया शिवराज सिंह, उनके मंत्रिमंडल के साथी, तो सरकार के जो अन्य नुमाइंदे हैं, जिला प्रशासन के लोग हैं, इनके सद्बुद्धि के लिए कि हमारे जिले का, प्रदेश के लोग बिजली के बिल के अघोषित कटौती से परेशान है, बिजली के बढ़े हुए बिल से परेशान है, खाद्यान्न नहीं मिल पा रहा है, बोल तो दिए 5 महीने का निःशुल्क खाद्यान्न देंगे, खाद्यान्न नहीं मिल पा रहा है, दवाइयों के अभाव में लोगों की जान चली गई, कोविड से जिन लोगों की मृत्यु हुई वो लोग अमृत प्रमाण पत्र पाने में वंचित हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, दवाई लोगों को मिल ले रही है, ब्लैक फंगस की दवाइयां नहीं मिल पा रही है, ऐसे बहुत सारे विषयों को लेके हमने वहां पे शांतिपूर्वक धरना दिया। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।